मतलब कि अगर हमारे जमीन की, हमारे किसी पौधे की खुराक अगर 1 किलोग्राम डीएपी है और हम अगर उसको 10 किलोग्राम डीएपी देंगे तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। जिस प्रकार से शरीर में अधिक आप भोजन करेंगे तो हमारा शरीर जितना पचा पाएगा वो उतना ही पचाएगा, बात बाकी मल मूत्र पसीने के द्वारा वो निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार जमीन में अधिक मात्रा में खाद डालने की वजह से जितनी आवश्यकता हमारे जमीन को है, हमारी भूमि को है, हमारी फसल को है, वो उतनी ही मात्रा में वो उसको अवशोषित करेगा, बाद बाकी हमारी जमीन में वैसे का वैसा वो पड़ा रह जाता है। और जो एक्स्ट्रा खाद हमारे जमीन में पड़ी है वो केवल किसी ना किसी रूप में हमारे जमीन को नुकसान ही करती है। कैसे करती है उस पर हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप डाई डालते हैं, 100 किलोग्राम अगर डाई अपने खेत में आप डाल रहे हैं तो उसमें से मात्र 15 से 20 किलोग्राम डाई ही हमारे खेत के काम में आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो डीएपी का नेचर है, जो डीएपी का केमिकल है, वो केमिकल ऐसा होता है कि जमीन में जाने के बाद वो चलायमान नहीं होता, मतलब दाना जहां पर पड़ा हुआ है वहां पर वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। हमारी फसल की जो जड़ है यदि डीएपी के दाने के आसपास पहुंच गई तब तो उस जड़ ने उस डीएपी को ले लिया, यदि जड़ डीएपी के दाने के पास में नहीं पहुंच पाती है उस समय तो वो डीएपी हमारे पौधे के किसी काम में नहीं आता है। और जो डीएपी बचा हुआ है वो हमारे खेत में है, वो केवल और केवल हमारे खेत को खराब करने का काम कर रहा है, ये पहली चीज। ठीक वैसे ही यूरिया के केस में क्या होता है, जब हम यूरिया अपने खेत में डालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा थोड़ी भी अगर धूप पड़ती है आप यूरिया किसी जगह रख दीजिए तो कुछ देर बाद वो वाष्पीकृत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यूरिया एक तरीके की गैस से ही बना होता है, वो गैस ही है, जब धूप उस पर पड़ेगी तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब उसको पानी अधिक मात्रा में मिलेगा तो पानी के माध्यम से वो नीचे चला जाएगा जमीन में, और नीचे अगर वो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से नीचे चला गया तो जड़ क्षेत्र से बाहर हो जाता है, क्योंकि लगभग पौधों की जड़ इतनी ही बड़ी होती, धान गेहूं आलू इन सब का आप देखिए इतनी गहराई तक ही जड़ होती है। इससे नीचे जैसे ही आपकी खाद पहुंच जाती है घुल करके तो हमारे जड़ क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और वो हमारी फसल के किसी काम में नहीं आएगी। अब फसल के तो काम में नहीं आई, नुकसान क्या हुआ ये समझिए। जो यूरिया नीचे चला गया घुल करके वो आपके भूमिगत जल में जाकर के मिल जाता है। भूमिगत जल वही जल है जिसको हम लोग पीते हैं, जिसका हम लोग सेवन करते हैं, तो वो यूरिया कहां मिल गया? जाकर के उस पानी में जिसको हम लोग पी रहे हैं। और दूसरी बात, जिस यूरिया का वाष्पीकरण हो गया था वो यूरिया केवल वायु प्रदूषण करता है, अगर वो हवा में मिलेगा जाकर के तो वायु प्रदूषण करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अत्यधिक मात्रा में जो हम खाद डाल रहे हैं उससे 3 नुकसान है, जमीन का प्रदूषण बढ़ रहा है यानी मिट्टी प्रदूषण, जल का प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। जब हमको पता है कि हमने 100 किलोग्राम डाला 20 ही किलोग्राम खेत के काम में आ रहा है, 80 किलोग्राम का पैसा तो खराब हुआ ना, हुआ कि नहीं? डीएपी कितना महंगा प्रोडक्ट है, 1350 रुपए से कितने रुपए तक बिक रहा है कहने वाली बात नहीं है, अगर उसका केवल 200-300 रुपए का ही काम कर रहा है तो बाद बाकी हमारा पैसा ही तो वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए संतुलित उर्वरक डालने की आवश्यकता हमें है। संतुलित उर्वरक यानी हमें उतनी ही मात्रा में खाद डालनी है जितनी मात्रा में हमारी जमीन को आवश्यकता है। अब पहला प्रश्न आता है, हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी जमीन को कितनी आवश्यकता है? तो इसका सबसे बड़ा निदान क्या है? भूमि का परीक्षण यानी मृदा परीक्षण, मिट्टी की जांच। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने मिट्टी की जांच कराई? मिट्टी की जांच कभी किसी ने कराई हो? हाथ खड़े करें। नहीं कराई। देखिए मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है ये समझिएगा। जरूरी इसलिए है, जैसे कि हमारे शरीर में अगर हमें भूख है 1 रोटी की, हमको तो पता है कि हमको 1 रोटी की भूख है, हम 1 रोटी खा लेंगे ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती हमको कहा जाए कि नहीं 5 रोटी खाओ, केवल नुकसान ही तो करेगा हमको, तो शरीर का भी नुकसान और उस रोटी का भी नुकसान।